हरे कृष्णा सभी को। बच्चों आप सबके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि 2021 बोर्ड के एग्जामिनेशन का जो पेपर का पैटर्न होने वाला है वो क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा आने वाला है, इसके ऊपर हम कंप्लीट बात करेंगे। कुछ लीक और लीड्स निकल के हमारे पास आई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले से बना रखी है, आई बटन वो मिल जाएगा आपको, जाके आप वो भी देख सकते हो। अब चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2021 बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम बात करते हैं हमारे पास लीड निकल के क्या आ रही है। तो लीड की बात करें तो एनईपी जब इंट्रोड्यूस हो रहा था तो वहां पे मैम ने बोला था कि अब से हमारे पास एनईपी के अंडर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमारे पास लाए जाएंगे। वहां पर उन्होंने वेटेज इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि कितना वेटेज होने वाला है। पहले वो वीडियो देख के आओ, फिर बात करते हैं आगे। बोर्ड एग्जाम जो है उसका महत्व जो है उसको कम करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया है कि मॉड्यूलर एग्जाम्स हो सकते हैं, साल में एक बार होना ज़रूरी नहीं है, दो बार हो सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए हर सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स से शुरू करते हुए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पे ऑफर किया जा सकता है। और तीसरा ये भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग में बांटा जाए, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो बच्चों आपको ये तो पता चल गया कि एनईपी के अंडर हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव का जो 50% ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है वो हमारे पास निकल के आया है। बच्चों कुछ दिन पहले जब सीबीएसई का रिड्यूस सिलेबस आया था तो उस पीडीएफ के अंदर क्लास 12 क्लास 11 के केमिस्ट्री के पीडीएफ के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का डिजाइन भी बाय मिस्टेक शायद यहाँ पे इन्होंने लीक कर दिया था। अब अगर हम बात करें कि अभी अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको ये नहीं मिलने वाला, ये हमारे पास उसी टाइम था और उन्होंने शायद जल्दी से यहाँ पे ठीक भी कर लिया था। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और खुद से भी देख सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे उन्होंने ये बोला हुआ है कि पार्ट ए में हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस आने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यू प्लस असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में हमारे पास सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सेम हमारे पास होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं 2020-2021 के टेस्ट टाइप में। अब बच्चों अगर यहां पे हम बात करें तो एनईपी के अंडर सरकार ने एक चीज और लॉन्च की है जिसे हम बोलते हैं सेट CET। इसमें हमारे पास क्या है तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके अकॉर्डिंग जिसके द्वारा हमारे पास क्लास 12 के बाद ही बच्चों को डायरेक्टली जॉब मिलने वाला है। तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार का एक ब्रॉड प्लान है जिसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव बेस्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बच्चों को पहले से ही कराई जाएगी और फिर वो जाके अच्छा स्कोर वहाँ पे कर पाए। तो मेरे हिसाब से ये ब्रॉड प्लान है यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करने के लिए। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्टिव पेपर में यहाँ पे 70 में से 35 मार्क्स मतलब 50% जो आपका होगा वेटेज वो ऑब्जेक्टिव बेस का होने वाला है। इसको मैंने कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से समझा है, वो जाके आप आई बटन वीडियो देखो वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव का यहां पे जो वेटेज है वो है 35 मार्क्स। तो इसका मतलब ये कि 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव, जो कि बात चल ही रही है। अब बात करते हैं यहां पे कि मैथमेटिक्स में ये क्या 50% होगा। तो अभी तक मैथमेटिक्स के लिए यहां पे कंफर्म नहीं हुआ है, बट हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और क्लास 10th के जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं सभी में हमारे पास ये पैटर्न अप्लाई हो सकते, इसी टाइप का क्वेश्चन पैटर्न बन सकता है 2021 बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और बच्चों अगर हम इसके डिटेल एनालिसिस करें तो 70 में से आपके 20 मार्क्स से एमसीक्यू तो पहले भी आते थे, सिर्फ अब वो 20 से 35 हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये एनईपी के अंडर है तो ये होगा ही होगा क्योंकि एनईपी इसी साल से इंप्लीमेंट हो चुका है, हम सबको ये पता है। तो एनईपी के अंडर ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, तो इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन पेपर पैटर्न बन सकता है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए और 11th के लिए तो हमारे पास है ही। ओके, तो यहां पे हम बात करें कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, इस अगर हमारे पास 50% एमसीक्यू का वेटेज अगर आ गया तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी हो सकता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर अगर आपने टिक नहीं किया तो आपको उसकी मार्किंग नहीं मिलेगी। एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव में तो आपने वहां पे अगर लिख भी दिया है, अगर आपने फॉर्मूले भी लिख दिए हैं या फिर आपका आंसर गलत हो गया है, आपकी स्टेप आपकी करेक्ट है बस आपका आंसर गलत हो गया, तो यहां पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बट ऑब्जेक्टिव में सोच के देखो कि टाइम उतना ही लग रहा है, सॉल्व आप क्वेश्चन कर ही रहे हो, बट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपकी एक दो वैल्यू वहां से मतलब इधर से उधर हो गई और उसके चलते में आपका आंसर गलत हो गया। तो इस केस में आपने गलत आंसर टिक कर दिया तो आपका कंप्लीट टाइम तो टाइम गया ही गया क्वेश्चन पेपर में, और साथ साथ आपका जो मार्क्स आने थे वो भी आपके क्रॉस हो गए। तो एमसीक्यू का अगर ज्यादा एमसीक्यू आ गए तो उसके डिसएडवांटेजेस भी है। देखते हैं यहां पे कि 2021 में कैसा पेपर का पैटर्न आने वाला है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये तो अभी कंफर्म हो चुका है कि एनईपी के अंडर हमारे पास ये पैटर्न आ चुका है और ये 2021 यहां पे बच्चों देख सकते हो 2021
2021 2020 में ही हमारे पास ऐसा पेपर पैटर्न आएगा। बच्चों आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे 50% एमसीक्यू होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।